नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो यहाँ पर अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। अभिनव गुप्त ये कश्मीर के रहने वाले थे, एक दार्शनिक, रहस्यवादी और सौंदर्य शास्त्री थे। इन्होंने जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी थी। और अगर बात करें वेदांत दर्शन की, तो वेदांत दर्शन की तीन मुख्य शाखाएं हैं, अद्वैत, विशिष्ट और द्वैत। अद्वैत के शंकराचार्य हैं, विशिष्ट के रामानुज हैं और द्वैतवाद के माधव हैं। फिर से सुन लीजिए आप, वेदांत दर्शन की तीन शाखाएं हैं जिनमें अद्वैत वेदांग, विशिष्ट वेदांत और द्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, विशिष्ट के रामानुज हैं और द्वैत के माधव जी हैं। ठीक है, अभिनव गुप्त जो है इनका इससे संबंध नहीं है। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर टीका लिखने वालों में से एक हैं, तो इसको भी आप जानते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में, थोड़ा सा इसको भी आप जानते रहिए, और 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। सुमंत, सुमंत का काम होता था कि विदेशी देशों से संधि की शर्तें या गुप्त खबरें ये सब लाना था। वहीं पर मैं बता दूं आपको, सर ए नौबत ये सैन्य विभाग होता था, यानी सर ए नौबत या सेनापति भी कह सकते हैं, सैन्य विभाग से संबंधित है। सचिव जो होते थे पत्राचार और राज्य सचिवालय विभाग देखता था। अमात्य ये वित्त मंत्री होते थे। इसके अलावा एक और होते थे वाकयानिस, वाकयानविस, ठीक है, ये जो होते थे गुप्तचर और सूचना विभाग इनके अंडर में होता था। तो जो भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य संबंधित मिलते जाते हैं, आप उनको भी नोट डाउन करते चलेंगे। जितने भी नए मित्र चैनल से जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग भी प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था आपका 1964 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, तो उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक नामक ग्रंथ में शामिल किया था। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन प्रकार के पिटक आते हैं त्रिपिटक के अंतर्गत। तो जो बुद्ध के नैतिक सिद्धांत थे, ये विनय पिटक में शामिल किए गए। अगर हम बात करें सुत्त पिटक की, तो इसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत व बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। वहीं अगर बात करें हम अभिधम्म पिटक की, तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध जी के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने त्रिपिटक नामक ग्रंथ का संकलन किया था। त्रिपिटक में तीन प्रकार के पिटक हैं, विनय पिटक जो कि नैतिक सिद्धांतों से संबंधित है, सुत्त पिटक इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह है, अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का यह संग्रह है। तो बिल्कुल आप इसको जानते रहिए, एक एक तथ्य को आप बिल्कुल नोट डाउन करते चलिए, या फिर वीडियो को एक दो बार और देख करके इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सिख धर्म के संस्थापक
गुरु नानक जी थे जिनका जन्म तलवंडी या वर्तमान के ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है, और सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, क्योंकि इनके बाद गुरु परंपरा समाप्त कर दी गई थी। अगला है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो अकबर ने। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। इसने कई सुधार किए थे, जैसे कृषि भूमि संबंधी या शिक्षा संबंधी या विधवा विवाह पर जोर, बाल विवाह को रोकना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल थे। इसी के नवरत्नों में से बीरबल, आप सभी जानते हैं बीरबल और इनकी कहानियाँ। अगला है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक एक तथ्य आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुप्त वंश की स्थापना जो है, पहले आप जान लीजिए थोड़ा सा, श्री गुप्त ने की थी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछे जाने योग्य हैं। और पहला जो शासक था जो गुप्त वंश का, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश प्राय ब्राह्मण वर्ग से आते थे और ये कुषाणों के सामंत थे, कुषाण। बाद में फिर गुप्त वंश की स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ये ब्राह्मणों को ही कर रहित कृषि भूमि देते थे। अगला है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं? तो प्रसिद्धिकों जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इसमें फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। इसी से उत्सर्जित होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है। और इसके बारे में एक हानिकारक बात यह है कि ये वायुमंडल में लगभग 80 से लेकर के 100 वर्षों तक विद्यमान रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना दूरगामी और कितना खतरनाक हो सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत संरक्षण के लिए CFC को बैन किया गया है। अगला है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। ये आपका हो गया ग्लोब, ये ऊपर हो गया नॉर्थ ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली पश्चिमी पवने, जिनके अलग अलग स्थानों पे भिन्न भिन्न नाम हैं, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, बी आपका होगा राइट आंसर यहाँ पर। अल्फाल्फा है एक प्रकार की घास है, इसी का एक अन्य नाम भी है राजको, इसको भी आप जानते रहिए। यह घास जो है मुख्यतः साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। ये एक प्रकार का फलीदार बारहमासी पौधा या सूखी घास होती है। इसमें ज़्यादा पोषक तत्व होने के कारण पशुओं के लिए यह मूल्यवान खाद्य पदार्थ है, इसीलिए दुनिया भर में इस घास को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप दोनों नाम इसका जानते रहिए, दक्षिणी अमेरिका में ये पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ही सेलवास, पंपास, लानोस, ये सभी घास के मैदान पाए जाते हैं। अमेजन नदी भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, जहाँ पर अमेजन जंगल पाए जाते हैं। अगला है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? आइसोहाइट, ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। वहीं पर आप जानते रहिए, समान दाब वाले रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोबार कहलाती है। समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोथर्म कहलाती है। और समान समुद्र सतह की समान खारेपन की मात्रा या लवणीपन की मात्रा कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है आइसोहेलाइन कहलाती है। सभी तथ्य बिल्कुल आप ध्यान से देखते चलिए मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अगला है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलते हैं। गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, तो उनका नाम पहले होता है भागीरथी,
और देवप्रयाग में अलकनंदा की मिल जाने के पश्चात इनका नाम हो जाता है गंगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? अभी हाल ही में ये काफ़ी सुर्खियों में रहा, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पंपा, पंपा एक स्थान है, पंपा के निकट पश्चिमी घाट की श्रृंखलाओं में घने वनों के बीच ये सबरीमाला मंदिर स्थित है। एक चीज़ आप और जान लीजिए कि ये केरल में आप सभी जानते हैं मलयालम भाषा चलती है, तो मलयालम में सबरीमाला का अर्थ होता है पहाड़, ठीक है, ये मलयालम वर्ड है सबरीमाला। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया सी, केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये भी आप जानते रहिए। अगला है, निम्न में से कौन सा विश्व का काफी पोर्ट कहलाता है? तो ब्राजील का सेंटोस को विश्व का काफी बंदरगाह या काफी पोर्ट कहते हैं। तो ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पोलो, एक साओ पोलो शहर है ब्राजील का। ब्राजील में सेल्वास नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी आप जानते रहिए। तो साओ पोलो शहर के, ब्राज़ील के साओ पोलो शहर के सेंटोस बंदरगाह को विश्व का काफ़ी पोर्ट या काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। काफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में प्रथम स्थान है। लगभग 80% काफ़ी निर्यात की जाती है ब्राज़ील का, यानी इतना अधिक उत्पादन होता है यहाँ पर। इसके पश्चात अगर काफ़ी के उत्पादन में द्वितीय स्थान की बात करें तो वियतनाम का है, एशियाई देश है। तृतीय स्थान की बात करें कंबोडिया का है, ये भी आपका एक एशियाई देश है। अगला है, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो बिल्कुल आपको जो जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं बिल्कुल आप उनको नोट डाउन करते चलिए, या फिर वीडियो को आप रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला लौह अयस्क की खान है, यहाँ से अधिकांश लौह अयस्क जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है, छत्तीसगढ़, मैं CHH लिख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार के दंतेवाड़ा ज़िले के अंतर्गत आने वाला बेलाडीला ये लौह अयस्क की खान है जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो अभ्रक को माइका भी बोलते हैं, पहले आप ये जान लीजिए, हो सकता है कभी आपसे माइका पूछ दे, आप सोचें माइका क्या होता है। तो माइका या अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। अभ्रक जो घर में प्रयोग किए जाते हैं वायर, उनके ऊपर अभ्रक की परत चढ़ी होती है। अभ्रक क्या होते हैं? ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसी वजह से इनके ऊपर, इनको हम अगर पकड़ते हैं विद्युत के नंगे तारों के ऊपर अभ्रक की कवर होने पर, हमें वे कवर गर्म नहीं लगते हैं क्योंकि वे सुचालक होते हैं, ऊष्मा निकलती रहती है और विद्युत का कुचालक होने की वजह से विद्युत के झटके नहीं लगते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में जो है लगभग 60% पूरे विश्व का अभ्रक उत्पादित करता है। भारत में जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी जो है, मध्य प्रदेश आपका कह सकते हैं कि प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल में आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा आपका आंध्र प्रदेश भी हो गया, चूँकि मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति नहीं होते हैं, शेष लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष में के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये सभी लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं। अगला है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, और इस संशोधन के द्वारा
अनुच्छेद 326 जो कि निर्वाचन से संबंधित है उसमें संशोधन करके मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है और विश्व में प्रथम लिखित संविधान 1785 में अमेरिका का अस्तित्व में आया था, ये भी आप जानते रहिए। सबसे पहला लिखित संविधान USA अमेरिका का। आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, यानी संविधान के भाग 15। पहले तो आप ये जान लीजिए भाग 15 में 324 से लेकर के 329 में 29 तक ये जो है निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के संबंध में उपबंध इसमें शामिल हैं। तो ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त करता हूँ मित्रों। श्रृंखला कैसी लगी, वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक और शेयर करते चलिएगा, साथ ही साथ अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।